दिल्ली से हवाई मार्ग के द्वारा हम लोग फाइनल पहुंच चुके हैं जोधपुर, और आज यहां पर जोधपुर में ऐतिहासिक इमारत उम्मेद पैलेस को देखेंगे, अवलोकन करेंगे और उसकी खूबसूरती को जानेंगे। जोधपुर में स्थित उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण उस समय के महाराजा उम्मेद सिंह ने वर्ष 1929 से शुरू करवाया और यह महल साल 1943 में बनकर पूरा हुआ था। कहा जाता है कि यह महल दुनिया के सबसे बड़े निजी महलों में से एक है। एक अनुमान के तहत इस भवन के निर्माण में लगभग 11 मिलियन रुपए की लागत लगी थी। यह महल 16 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। संगमरमर और बालू पत्थर से बने इस महल का दृश्य पर्यटकों को खास तौर पर लुभाता है। इस महल के संग्रहालय में पुरातन युग की घड़ियां और चित्रकारी आज भी संरक्षित हैं। इस स्मारक में 347 कमरे हैं और तत्कालीन जोधपुर शाही परिवार के लिए उपयोग किए जाते हैं। यही एक ऐसा 20वीं सदी का महल है जो बाढ़ राहत परियोजनाओं के अंतर्गत निर्मित हुआ है, जिसके कारण बाढ़ से पीड़ित जनता को रोजगार प्राप्त हुआ। बलुआ पत्थर से बना यह अति समृद्ध भवन अभी पूर्व शासकों का निवास स्थान है, जिसके एक हिस्से में होटल चलता है और बाकी हिस्से में संग्रहालय है। यहाँ पर पर्यटक बहुत ज़्यादा आते हैं और इस किले का अवलोकन करते हैं। महल को तराशे गए बलुआ पत्थरों को जोड़कर बनाया गया था। महल के निर्माण के दौरान पत्थरों को बांधने के लिए मसाले का उपयोग नहीं किया गया था। यह विशिष्टता बड़ी संख्या में पर्यटकों को इस महल की ओर आकर्षित करती है। इस सुंदर महल में वास्तुकारी बहुत अच्छे से की गई है और इसके वास्तुकार हेनरी वान एक अंग्रेज थे। आइए अब किले के अंदर चलकर इस संग्रहालय का अवलोकन करें।
दोस्तों यह सफ़र यहीं पर समाप्त हुआ, अब मिलते हैं आगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।